पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। तीन राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे जिटपुल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे, कुछ साधन संपन्न लोगों तक
सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस डिलीवरी इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है, और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी, और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। दो दशक से भी ज्यादा समय तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सरकार में कितनी दिक्कतें होती हैं, गवर्नेंस में कितनी दिक्कतें होती हैं, इसको भली भांति जानता हूं। उसके बावजूद भी मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए, और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार है उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानि काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये 100% की कल्पना करना दो दशक से ज्यादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मेरे। और ये हिम्मत मैंने इसलिए की है कि जब ईमानदारी होती है, नीयत साफ होती है, गरीबों के प्रति करुणा होती है, देश का कल्याण यही जीवन का मंत्र होता है, तो फिर ऐसे निर्णय करने की ताकत पैदा होती है। हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, 100% लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों बेटियों माताओं ने
इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है, जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है वहां बीजेपी को बंपर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं है। तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है।